शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में दिन ब दिन कोरोना संक्रमण से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसी क्रम में शहर के दो पुलिस वालों को कोरोना इलाज के दौरान मौत हुई है, जिससे पुलिस महकमे खलबली मची हुई है। इस बारे में हमारे संवाददाता संजय मिरे, इन्होंने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीलेश भर ने इनसे बातचीत की है, आइए देखते हैं। नागपुर में लॉकडाउन जब हुआ था तो यकीनन कोरोना संक्रमितों का और कोरोना महामारी से मरने वालों का आंकड़ा काफी कम था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन बंद हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा और मृत्यु की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कोरोना वायरस ने अब तक डॉक्टर, पत्रकार और अन्य लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब कोरोना ने नागपुर में पहली बार दो पुलिस वालों को अपने आगोश में लेकर मौत की नींद सुला दी है। मरने वालों में पुलिस मुख्यालय का ASI भगवान शेजुर और धंतोली थाने के पुलिस हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ हरिबाऊ सहारे का समावेश है। इस घटना के बारे में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीलेश भर ने इनसे बातचीत की है, हमारे संवाददाता संजय मिरे। इन्होंने दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनबीसीएन की टीम एडिशनल कमिश्नर नीलेश भरने साहब के पास आई हुई है, उनके चेंबर में आई हुई है ये जानने के लिए कि आखिरकार कोरोना का संक्रमण किस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक की 204 लोगों की शहर में मौतें हो चुकी है और 6752 लोग ये खबर दिखाने तक के कोरोना संक्रमित है। और हाल फिलहाल में एक खबर ये भी आई थी कि दो पुलिस जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें से एक पुलिस मुख्यालय में थे और दूसरे जो है धंतोली थाने से बताए जा रहे हैं। जो पहले जो थे ASI भगवान शेजुर, जिनका मेडिकल अस्पताल में उनकी कोरोना को लेकर मौत हो चुकी है, तो वही दूसरे जो पुलिस हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ हरिबोध सहारे जो थे धंतोली में, उनका मेयो में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी भी कोविड से मौत हो चुकी है, वे दोनों शहीद हो चुके हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके चलते अब पुलिस की तरफ भी कोरोना ने अपनी निगाहें लगाई हुई है, गड़ी हुई है, इस बात को लेकर इस समय में हम नीलेश भरने साहब के साथ बातचीत करेंगे। भरने साहब, ये बताए कि जिस तरह से कोरोना को लेकर अब तक के शहर के कई क्षेत्र के मौतें आने की खबर थी, लेकिन पुलिस का इसमें अभी इन्वॉल्व होना और पुलिस की शहीद होने की जो खबरें आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं कोरोना ने अपने पांव पूरी तरह से पसार दिए हैं। नहीं, ये बड़े दुख की बात है कि कल जो है हमारे दो पुलिसकर्मी जो कि ASI जो है भगवान शेजुर, जो कि 54 वर्ष की उम्र के थे, पुलिस मुख्यालय में तैनात थे, और दूसरे जो है हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ सहारे, जो कि 50 वर्ष के थे, धंतोली पुलिस स्टेशन में थे, उनका जो है उपचार के दरमियान जो है उनका दुखद निधन हो गया है। और पूरी कोशिश की गई डॉक्टर द्वारा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पुलिस जो है लगातार फ्रंट पे है और लगातार पुलिस के लोगों को है जो है कोरोना हो रहा है। बहुत से ज़्यादातर जो है वो सारे ठीक हो चुके हैं, और लेकिन पुलिस का कार्य इस तरह का है कि पुलिस को एकदम फ्रंट लाइन पर रह के काम करना पड़ता है। पुलिस की ड्यूटियां जो है क्वारंटाइन होम और कोविड केयर सेंटर और हॉस्पिटल्स में भी लगी हुई है, और लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कराने में भी पुलिस को मार्केट्स और सब जगह खड़े रहना पड़ता है। तो इससे कई लोग जो है कोरोना से ग्रसित भी है। आज भी हमारे 13 जो है जवान अभी उपचार ले रहे हैं, लेकिन जो है ये दो कर्मचारी आज हमारे बीच नहीं रहे, और पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है कि इस तरह से जो है कोई बात न हो। और हमने जितने भी सीनियर अधिकारी है स्वयं जो है वो मौके पर हमारे स्टाफ के साथ संपर्क में है, कहाँ अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है, परिवार के साथ संपर्क में है, उनके फ़ोन नंबर से हम लोग रोज़ चर्चा कर रहे हैं, और बेहतर से बेहतर सुविधाएँ उनको दी जा रही है, ताकि जो है, और इवन प्रिवेंशन के लिए भी हमने लगातार जो है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और इस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया है कि जो है लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रहे। सर, लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रहे ऐसा भरने साहब का मानना है, लेकिन मैं एक दर्शक को आपको बता दूं कि जब से मार्च माह से लेकर अब तक के यानी 5 माह का ये समय हो चुका है, कोरोना ने जिस तरह से अपने पांव पसारे हैं, हमेशा सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अच्छा कामकाज किया है। पुलिस को वॉरियर्स इसीलिए कहा जाता है, चाहे पुलिस हो, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, या फिर अन्य कुछ ऐसे संस्था के लोग जो काफ़ी अच्छा कामकाज किए, उनमें सबसे अग्रेसर अगर किसी का काम था
तो पुलिस प्रशासन का था, पुलिस के हर उस जवान अधिकारी का भी था। सर मेरा इससे एक सवाल जुड़ा हुआ है, अब जिस प्रकार से इनकी मौतें हुई, अभी उनके जो परिवार वाले हैं वे कहीं ना कहीं बेघर हो चुके, तो ऐसे में गृहमंत्री अनिल देशमुख जी ने बीच में कहा था कि 50 लाख रुपये देंगे, इस बात में क्या रोशनी डाल रहे हो आप? बिल्कुल, जो है शासकीय मदद जो है वो उसमें तुरंत वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और तुरंत ही जो है परिवार को जो भी सहायता है वो दी जा रही है और इवन अनुकंपा पे जो होता है जो भी है वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी जल्दी, बहुत जल्दी ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। और जिस प्रकार से अनुकंपा के तत्व पर भी उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं पुलिस जॉब उन्हें जरूर मिल जाएगा, और राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख जी ने जिस प्रकार से जो वादा किया था उसके चलते अब वो भी 50 लाख मिलना चाहिए और देने की बात भी यहाँ पर की गई है। मैं भरने साहब एक बात ये भी देखने आ रहा हूँ कि पुलिस के ऊपर में उनकी संख्या कम है लेकिन कामकाज बहुत ज़्यादा है, ऐसे में कैसा कोऑर्डिनेट हो पाता है? नहीं, बात बिल्कुल सही है कि काम काफ़ी है, पहले रेगुलर पुलिस का क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का वर्क था लेकिन अब उतना ही लोगों का जो है ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कराने का जो बंदोबस्त है उसमें लोगों की जो है साप्ताहिक छुट्टियां बहुत हद तक बंद की गई थी जो अभी हाल ही में शुरू की गई है और इतर जो रेगुलर छुट्टियाँ थी वो भी बंद थी, लेकिन अभी हम पुलिस के जो है वो वेलफेयर और इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि सबको जो है वो 50 साल के ऊपर के लोग जो है वो कम ड्यूटी पे लगे, जिनको कि कुछ सेहत की प्रॉब्लम है वो ड्यूटी पे हम लोग नहीं लगाते हैं, साथ ही में जो है वो उनका छुट्टी पे भी ध्यान दे रहे हैं, अगर किसी को कुछ ज़रा सी भी सेहत की शिकायत आती है तुरंत उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी जानकारी इस समय में एडिशनल कमिश्नर नीलेश भरनी जी इन्होंने दिया है। इनका ये कहना है कि परिजनों को पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा और जिन लोगों को इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं उन्होंने फौरन इसकी जानकारी देना होगा, क्योंकि ये जो डिसीज़ है, ये जो कोरोना है, ये छिपाने वाली बात नहीं है। अगर हम छिपा लेते हैं तो हमारा खुद का तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में परिवार का, इस समाज का और पूरे देश का भी हो सकता है, क्योंकि ये संक्रमण बढ़ने वाला है। इसलिए बार बार राज्य सरकार की ओर से, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क पहनना ज़रूरी है, हाथों को सैनिटाइज करें, खुद की रक्षा खुद करें, क्योंकि जब तक हम अपनी खुद की रक्षा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोरोना हम पर अपने को मौत के आगोश में ले सकता है। इससे अगर बचना है, कोरोना से दुआत करना है तो इसका पूरा इन नियमों का, कोरोना नियमों का पालन करना, यही सबकी जवाबदेही है। कैमरा पर्सन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीलेश भरने जी के कार्यालय से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, NBC News नागपुर।